हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हमारे पास नई प्रॉब्लम आई है, जियो फोन का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। इस भाई ने कहीं से सॉकेट चेंज करवाया था, उसके बाद माइक की प्रॉब्लम आ गई है। तो जियो फोन्स में ऐसा होता है कि सॉकेट के पास ही बिल्कुल माइक लगा होता है, और गर्म मशीन से जब सॉकेट को हटाया जाता है तो माइक पर गर्म हवा लगने से माइक ख़राब हो जाता है। तो उसका एक सॉल्यूशन आता है, थर्मल टेप आती है, वो लगानी चाहिए पहले माइक पर, फिर काम करना चाहिए। तो वो तो होता है बेस्ट वे काम करने का। फटाफट से खोल लेते हैं, मैं इसको फिर दिखाता हूँ आपको। सो ये इसके कवर हटा दिया है, अंदर से हालत काफ़ी ख़राब है। कीपैड का पत्ता देख सकते हैं आप, पूरी मिट्टी लगी हुई है। इसकी ग्लू काम नहीं कर रही, चिपक भी नहीं रहा है यहाँ पर। इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे आपको अभी, पहले इसको हटा देते हैं पूरा। मदरबोर्ड को लिफ्ट अप करके मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोल्डरिंग का बेहतरीन नमूना है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोल्डर लगा रखा है, इतना लगा रखा है कि साइड में टच हो रहा है ग्राउंड के, मे भी यही प्रॉब्लम हो। तो भाई कह तो रहा था माइक चेंज करवाया था मैंने पहले, चेक कर लेते हैं एक बार। माइक को हटा देते हैं, और ये डी सोल्डरिंग विक की मदद से इसका जो एक्सेस सोल्डर है उसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद एकदम क्लियर दिख रहे हैं जो रेक्टेंगुलर पैड्स होते हैं इसके। अब मैं इसको हल्का सा पेट्रोल और ब्रश की मदद से क्लीन करूँगा पहले। क्लीन कर लिया। अब इसके ऊपर इस साइड में एक मार्क लगा हुआ है हल्का सा प्लस का, वो प्लस पॉइंट होता है, तो उस पर प्लस पर रेड वायर लगा कर देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फ्रेश शोल्डर लगाऊंगा। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोल्डरिंग करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं इसके अंदर इसी का माइक यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, सोल्डर ज़्यादा लगा हुआ था, उस वजह से भी दिक्कत आ जाती है। अगर उसके बाद भी नहीं काम करता तो फिर नया माइक लगाना पड़ेगा, पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं। फ़ोन को कर दिया है बूट, तब तक हम जो इसका जो ये बटन पता है इसको थोड़ा सा रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैं कॉटन का क्लॉथ लेता हूँ एक, ये मैंने कॉटन का क्लॉथ ले लिया, और ये पेट्रोल की जो बोतल होती है इसे हल्का सा पेट्रोल लगाऊंगा। और बटनों के ऊपर से स्लाइड नहीं करना है, सीधा बीच वाली जो ये लाइन है यहाँ से स्लाइड करूँगा। तो इससे क्या कि ये मिट्टी हट जाएगी और जो ग्लू है वो पेट्रोल की हेल्प से एक्टिवेट हो जाएगी एक बार फिर से। पेट्रोल से क्या कि ये जो बटन की जो टिकड़ियाँ लगी हुई है इनके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई बटन हार्ड प्रेस हो रहा है वो भी सही हो जाएगा। कस्टमर को एज ए बोनस ये कर रहा हूँ मैं, बोला नहीं है उसने मुझे। क्या जाता है यार, अपना 2 मिनट का काम होता है, अगला फिर याद करेगा कि हाँ यार पहले काम नहीं कर रहे थे बटन, अब सही काम कर रहे हैं। अभी स्टिकी हो गया, देखो पहले नीचे पक रहा था, अब स्टिकी हो गया। तो फ़ोन हो गया स्टार्ट, माइक चेक कर लेते हैं फटाफट। साउंड रिकॉर्डर ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर है भी या नहीं। सिम ये भाई अपनी लेकर नहीं आया, मेरी सिम मैं निकाल नहीं सकता।
मुझे तो पता ही नहीं कहाँ होता है इसमें, साउंड रिकॉर्ड होता भी है या नहीं होता, कुछ सिम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको मल्टीमीटर की हेल्प से टेस्ट किया तो पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही है। सप्लाई का मतलब जो इसकी लाइन आती है जो बोर्ड से अंदर आईसी से निकल कर जो लाइन आती है वो ब्रेक है कहीं से, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। शायद मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँ, मुझे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि कस्टमर को मैंने खर्चा बताया 150 रुपये, वो कहता है 150 रुपये खर्चा ज़्यादा है। अब उसे ये नहीं पता कि सप्लाई कितनी, मतलब डबल लेयर पीसी भी होती है इसके अंदर, बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस होती है और बड़ी मुश्किल से ढूंढी जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है ढूंढने में। तो चलो छोड़ो, अपने बहस क्यों करनी है, अगले की इच्छा नहीं है करवाने की तो पैक करके वापस दे देते हैं उसको, सोल्यूशन लाएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो का तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।